हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन। इसका स्टडी आज देखेंगे महत्वपूर्ण फिजियोथेरेपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आपको पहले मिले। लाइक करके मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजियोथेरेपी। फर्स्ट क्वेश्चन है, मालिश के प्रेशर मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितने प्रकार की मालिश आती है? तो ये आता है आपका तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, मालिश के प्रिकॉशन मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितनी मालिश आती है? तो ख आंसर हो जाएगा चार मालिश। प्राचीन काल में अपने मरीजों के इलाज के लिए मालिश का प्रयोग कौन सा चिकित्सा वैज्ञानिक करता था? तो ग आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस, और इम्पोर्टेंट भी है ये। फिजिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका, खा आंसर होगा फिजियोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है? तो खा है क्रायोथेरेपी, और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें ठंडे व गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है? घ आंसर इसका भी हो जाएगा आपका कॉन्ट्रास्ट बात। वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है? तो का आंसर हो जाएगा आपका पैराफिन बात हो जाता है, मोम का जो होता है बात है ना। कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आठवां है आपका ख आंसर एथिल क्लोराइड एंड मीथेन। किस चिकित्सा विधि में बुयोयांसी तरण शीतल नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा ग भंवर स्नान। किस चिकित्सा विधि में ठंडे पानी में चोट लगे अंग को डुबोकर अभ्यास कराया जाता है? तो दस का ग हो जाएगा क्रायोकाइनेटिक्स, और इम्पोर्टेंट चीज है, इसका थ्योरी देख लेंगे बहुत ही अच्छा है। इंफ्रारेड रेस इंफ्रारेड किरण निकालने के लिए किन दो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ग इसका है कख, प्रकाश युक्त और अप्रकाश युक्त दोनों से होता है। किस चिकित्सा विधि में सूर्य की किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये आया आपका ग आंसर पैराबैंगनी किरणें। वह कौन सी विद्युत चिकित्सा विधि है जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है? तेरह का ख आंसर हो जाएगा आपका डायथर्मी। डायथर्मी को उसके विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से उत्पन्न तरंगों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है? तो ख आंसर इसका है तीन प्रकार में बांटा गया है। विद्युतीय चिकित्सक तरीकों में शॉर्ट वेव डायथर्मी के अंतर्गत उपचार की कौन सी विधि होती है? तो ये है घ आंसर आपका क ख, यानी कैपेसिटर फील्ड मेथड एंड कैपल मेथड। विद्युत चिकित्सा तरीकों में सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है? 16 का आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोवेव डायथर्मी। वह कौन सी विद्युतीय चिकित्सा है जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग मुलायम उत्तकों एवं हड्डी की तीव्र सूजन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है खा आंसर आपका डायपल्स थेरेपी। और आज के लिए बस 18 क्वेश्चन। पैराध्वनि तरंगों का प्रयोग किस चिकित्सीय विधि में होता है? तो 18 का घा आंसर होगा अल्ट्रासाउंड थेरेपी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए छोटा वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बिजी हूँ थोड़ा सा।